जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? जसपाल कौर। जसपाल जी, आप कहाँ से आए हो? हम लुधियाना पंजाब से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? वही संसारिक भक्ति, जो हमने गुरुद्वारा में जाना, मंदिर में जाना, देवी देवताओं की पूजा करना। बहन जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मेरी बड़ी बहन है नरिंदर कौर समराला से, उन्होंने नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप गुरु जी को, संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ, नाम दीक्षा ले लो, जो आपकी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चेदानी में रसोली थी, वो ठीक हो जाएगी। कितने साल से आपको ये परेशानी थी? 5-6 साल से प्रॉब्लम थी मेरे को। कहाँ कहाँ पर आपने दिखाया? हमने लुधियाना मॉडल टाउन में KS सोन डॉक्टर से को भी दिखाया, और प्रीत हॉस्पिटल है दर्शन सिंह डॉक्टर, उसको भी दिखाया, और हमने दीदार हॉस्पिटल में भी दिखाया दवाई। आपके कहने का मतलब ये है कि लगभग 5-6 साल से आप इस रसोली का इलाज करवा रहे थे, लेकिन कहीं भी आपको आराम नहीं मिला? नहीं, कहीं भी हमको आराम नहीं मिला। देसी दवाई भी की, होम्योपैथिक की दवाई भी करी, सब करके थक गए थे हम। जब आपके बहन ने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया, तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? फिर उस नाम दीक्षा लेने के बाद तो भगत जी, सबसे पहले तो मेरे को भक्ति मार्ग पता चला कि सही भक्ति क्या है, हमको क्या लाभ मिलेगा। उसके बाद जो शारीरिक मेरे को जो परेशानी थी, वो मेरी ठीक हो गई। कैसे ठीक हुई? नाम दीक्षा लेने के बाद जो गुरुजी ने नाम मंत्र हमको देते हैं भक्ति के, वही नाम मंत्र करने से मेरे सारे दुख हौली हौली सब ठीक हो। क्या कोई दवाई भी दी इस बीमारी को ठीक करने के लिए? नहीं, संत रामपाल जी कोई दवाई नहीं देते, सिर्फ मंत्र बताते हैं, वही भक्ति से हमको लाभ मिलते हैं। बहन जी, आज के समय में आपने इतने अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया, वहाँ पर आपका इलाज नहीं हो पाता और आपको आराम नहीं मिला, क्या आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इस बात पर विश्वास करेगा कि एक ऐसा संत जो जेल में है, उनके द्वारा दिए गए मंत्रों के जाप से आपकी 5-6 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई? हाँ जी, हमारी तो ऐसी हुई है, वो उनको मानना पड़ेगा। अगर वो ज्ञान समझें, सत्संग सुने, तो सही भक्ति करने से हमको सारे लाभ मिलते हैं, मंत्रों के, केवल मंत्र करने से। आपको और क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से? ये मेरे जो बच्चेदानी में 2 रसोली थी, और डॉक्टर ने बोला था कि आप मर जाओगी 6 महीने के अंदर, आपके गुर्दे खराब हो चुके हैं, आपका लीवर खराब हो चुका है, आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हो, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी की महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद जे मेरा सब ठीक हो गया है, मैं आप जाप के सामने सही सलामत खड़ी हूँ। बस मैंने अपना भक्ति की, और भक्ति परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी से मंत्र जो लिए थे वही करने से मेरे का दुख ठीक हो गया। संत रामपाल जी की शरण में आने से बाद में हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, जो हमारी बहुत ठीक नहीं थी चल रही। हमारा मकान नहीं था सही, वो हमारे डबल स्टोरी मकान बन गया। हमारे पति के पास साइकिल था, वो हमने बाइक ले लिया। संत रामपाल की शरण में आने में हमको सभी लाभ ही, छोटे मोटे लाभ तो होते ही रहते हैं हमको। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद सालों पुरानी जिनकी आदत होती है नशा करना, वो छूट जाती है, क्या आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है? हाँ जी, मेरे पति देव नशा करते थे, वो जर्दा बहुत लगाते थे, नहीं छोड़ते थे, बहुत कोशिश करते थे, घर पे झगड़ा होता था, और वो जर्दा गिरा भी देते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खरीद के लाते, फिर खाते थे, वो उनका नहीं छूट रहा था। लेकिन जब से नाम दीक्षा ली हमने संत रामपाल जी महाराज जी से, उनका नशा छूट गया। और कोई लाभ मिला आपको? छोटे मोटे तो भगत जी बहुत लाभ होते हैं, जैसे कि हमारी पहले आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो हमारे वैसे ही एक दिन मैं रसोई में गई, मेरे को सब्जी लाने को भी पैसे नहीं थे, और मैंने रसोई में गई तो उधर सेल्फ पे मेरे को 200 रुपया पड़ा मिला। मैंने घर में सबको पूछा कि ये पैसे किसने रखे हैं, तो बोलते हैं कि हमने नहीं रखे, तो परमात्मा बंदी छोड़ नहीं, वो हम मेरे को पैसे दिए। फिर हमारे बहुत स्थिति बहुत ठीक खराब ही रहती थी, हम ठीक नहीं थे, और अचानक हमारे पति के फ़ोन पे फ़ोन आया बैंक से कि आपके अकाउंट में 3500 रुपया आया है। तो हमने हैरान हो गए कि ये किसने डलवा दिया है, कहाँ से आया है, और फिर फौरन मैंने घर वाले को भेजा कि आप जाके एक बार देखो तो सही, बैंक में बात तो करो। तो वो गए तो उधर सही हमारे अकाउंट में 3500 रुपया आया हुआ था।
बहन जी, आपने जो भी बातें बताई हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, ये बिल्कुल असंभव सा लगता है। लेकिन जैसा कि आपका मानना है कि परमात्मा की सद्भक्ति से आपको इतने सारे लाभ मिले हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आज के जो पढ़ा लिखा समाज है, उनका ये मानना है कि जेल में बंद एक संत संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को इतने सारे लाभ कैसे दे सकते हैं? वो तो जी कहने को जेल में है, हमारे लिए तो वो जेल में नहीं, जेल तो हम हैं, इधर जेल में रहते हैं जो सब दुख पे दुख झेल रहे हैं, तो हम वो तो संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कोई संदेश देने के लायक नहीं हूँ, परमात्मा के एक संत रामपाल जी के छोटी सी दासी हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये आप साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 सत्संग आता है वो सुनो, ज्ञान समझो, ज्ञान गंगा बुक मंगवाओ और अपना नाम दीक्षा लेके जीवन सफल करो। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।